एक सच बता रहा हूँ आप लोगों को वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा नो वन नोज एनी थिंग किसी को कुछ नहीं पता है जस्ट मी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ हम लोग सब ना अपनी जिंदगी में खाली तुक्के मारते जाते हैं या फिर हम लोग कुछ ना कुछ बस अटेम्प्ट करते जाते हैं कि हाँ ये चीज हो गई तो अच्छा हम लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है ये यूट्यूबर शायद सॉल्व कर देगा मैं इसको डीएम करके पूछ लेता हूं मेरे को नया मोबाइल लेना है इसको ज्यादा पता होगा इसका मैंने टेक्निकल वीडियो देखा है तो उसको मैं डीएम करके पूछ लेता हूँ कि कौन सा मोबाइल मेरे लिए अच्छा है या फिर आप लोगों का शायद अगर डिप्रेशन एनजाइटी आप लोगों का अब हुआ है कुछ भी हुआ है तो आप लोग किसी को भी डीएम करोगे शायद वो आपकी मदद करेगा ट्रस्ट में कोई आपकी मदद नहीं करने वाला और ना ही किसी को कुछ पता है किसी को कुछ पता नहीं है इस दुनिया में इस बात को हमेशा याद रखना सब लोग ना अपनी अपनी जिंदगी जी जाए सब लोगों को अपने आप लोग सब लोग अपने ही अपने, अपने होश में वो तुमको बस वही चीज़ बता पाएंगे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए कि मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हम लोग क्या करते हैं कई बार हम लोग को ये सोचते हैं कि शायद मेरे को ये मिल गया या फिर हम लोग मेरे को इसके कभी बात करने मिल गए पाँच दस मिनट भी तो शायद मैं इससे बहुत कुछ पूछ के मैं इसे सीख लूंगा जस्ट में सीख सकते हो आप बट अगर आपने पूछा कि भाई मैं लाइफ में क्या करूँ तो वो भी नहीं बता पाएगा क्योंकि हम सब इंसान अलग अलग होते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया में कि क्या चल रहा है किसको क्या करना चाहिए किसी के पास एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर होता ही नहीं है सबके पास एक आंसर होता है वो खुद के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मेरे से पूछोगे कि भाई तेजली क्या लगता है तेरे को मेरे को एजुकेशन करना चाहिए एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहिए तो मेरे पास आंसर होगा कि एजुकेशन क्यों कंप्लीट करना है तुम लोग कुछ दुनिया में बहुत सारी चीजें बिजनेस बिजनेस विजनेस वो कर सकते हो बट अगर आप लोग किसी और जाके पूछोगे कि कितने क्या लगता है हम स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए फिर दादाजी से जाके पूछोगे कि दादाजी मेरे को पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए एक चप्पल उतार के गाल पर चमट लगा के देंगे ना वो तुम्हारी सारी अक्ल ठीपे आ जाएगी वो बोलेंगे पढ़ाई छोड़ने की तो तू बात ही मत कर सबसे पहले तो इसको दुनिया में सबसे किसी को कुछ पता ही नहीं है दादाजी को अभी ये पता नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अगर तुमने हम दोनों को एक साथ लाके कंपेयर कर जाओगे कि ये बोल जाए की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है दादाजी ने सीधा गाल पर चमेट लगाई अब क्या करूँ <laughs> तो हम दोनों के पास अलग अलग सोल्यूशन है और हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है दादाजी ने उनके टाइम पर यह देखा है कि जो भी पढ़ता लिखता है उसके पास अच्छे सोल्यूशन है हमारा हमारे जमाने में देखा है कि पढ़ाई लिखना समझिए नहीं है मैं नहीं बोल रहा कि कॉलेज छोड़ दो अभी ठीक है कॉन्टेक्ट so, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ मी मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है हम सब के पास अपना अपना एक विजन है हम सब के पास अपना अपना किसी चीज़ को लेकर एक प्रस्पेक्टिव है कि हाँ ये चीज़ भी तो मुझे ऐसा करना चाहिए बट इसका एक प्योर शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसा कुछ एक्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में कि हम सब ने अगर एक चीज को कर लिया तो सबके सबके पास वो अप्लाई हो जाएगी नहीं मैं, मैं शॉर्ट रखता हूँ इस चीज को मैं बोलूंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके पास ही रहेगा किसी और के पास नहीं आप ओवर थिंक क्यों करते हो आपको पता आप से आप हमेशा एन्जाइटी डिप्रेशन आप लोग ऐसे उदास उदास क्यों रहते हो वो आपको पता किसी और को नहीं पता वो शायद आपको कुछ चीज़ें आपको कुछ एक परस्पेक्टिव दिखा देगा कि अगर आपने आपकी पूरी स्टोरी उसको सामने ऐसे ग्रंथ की तरह रख दी तो शायद आप उसमें उस से वो वो चीज़ें वो आप लोगों को सिलेक्ट करके बता देगा कि हाँ इन इन चीज़ों की वजह से शायद तुम उदास रहते हो तो वो चीज़ एक खाली आप लोगों की एक हेल्प कर सकते हैं बट पूरी प्रॉपर हेल्प आपकी कोई नहीं करेगा किसी को कुछ पता ही नहीं है ना आपके साथ क्या हुआ है वो खाली आपको पता है आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता है किसी और को पता ही नहीं है कुछ मैं इंपॉर्टेंट रूल्स देता हूँ किसी को जज नहीं करना ठीक है सबसे पहले किसी को देख के कि, हाँ ये ऐसा ऐसा खाली हलवा गाली देता रहता है इसका मतलब ये है बेशरम बच्चा है नहीं किसी को जजमेंट करना आपको नहीं पता उसके साथ पीछे क्या हुआ है किसी के साथ बदसलिस से मत पेश आना बस मैं बोल सकता हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं है तो प्लीज आप भी किसी को जज मत करना कोई आपको जज करे तो उसको इसके उसके उसको उसके हिसाब से छोड़ दो कि हाँ भाई तू तेरे तो हिसाब से ठीक मैं है मैं, मैं पागल हूँ मैं पागल ठीक है प्लीज आपके क्वेश्चन के आंसर किसी से एक्सपेक्ट मत करना इस दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है वो खाली एक अपने परस्पेक्टिव से बता रहे हैं तुमको वो उनके बजे में जितना नॉलेज है वो आपको उस हिसाब से रखेंगे इसका बेस्ट सोल्यूशन में दो पंद्रह लोगों से मिलो और आप लोगों को क्या लगता है वो करो फिर पंद्रह सही लोगों से मिलो जिनमें जिनमें जिन जिन लोगों ने एक्चुअली अपने लाइफ में कुछ किया है वो तुमको कुछ अच्छा खासा गाइड कर सकते हैं उनसे मिलना और ब्लाइंडली फॉलो मत करना पिछले वीडियोस भी थे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना तो बस उन लोगों से लेना और वही करना जो तुमको सही लगता है फिर तुम लोग पंद्रह लोगों को एक साथ मिश्रण करके अपने बनवा सकते हो तो फिर तुम सोलहवें बन जाओगे और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है मैं मानता भी हूँ कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है इस दुनिया में एक छोटा सा पोर्शन ऑफ नॉलेज है जो कि जीरो है जो कि मेरे पास होगा बट मैं कभी मानता नहीं कि मेरे को सब पता है इस दुनिया में और ट्रस्ट भी तुम लोग जिन लोगों के लोगों की बात सुनोगे ना आप लोग कहीं ना कहीं वो आप लोगों को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि तुम जो एक एक लिमिटेड पर्सन हो ट्रस्ट मी इंसान को कोई लिमिट लिमिट नहीं होती तुम जिस पे चाहो वो तुम्हारी नई लिमिट है एक झाड़ है उसके ऊपर दो नेस्ट रहते हैं एक ऊपर रहता है ईगल का नीचे रहता है मुर्गी का तो क्या होता है ईगल भी अंडे देती है दो मुर्गी भी एक अंडा देती है तो ईगल का एक अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडे में मुर्गी के नेस्ट में आ जाता है तो मुर्गी उस ईगल को हैच वैच करके बाहर निकालती है और जब ईगल ऊपर उड़ रही होती है ईगल को पता नहीं अपना एक अंडा कहाँ पर उसको लगा कि दूसरी ईगल आके खाके चली गई ठीक है तो ईगल का एक अंडा नीचे मुर्गी के इसमें वो बच्चा बड़ा हो चुका है और जब वो ईगल का बच्चा उड़ने की कोशिश करता है तो मुर्गी उसको बोलती है कि तू उड़ नहीं सकती क्योंकि तू मुर्गी है समझ ले? वो ईगल है और तू मुर्गी है तो उसने बचपन से ये देखा है कि वो मुर्गियों के साथ नहीं है वो ज्यादा ऊपर उड़ी नहीं सकती तो वो ईगल है वो इतने ऊपर जा सकती है लेकिन उसने पूरी अपनी जिंदगी है वो नीचे जमीन पे या फिर छोटे छोटे एक एक दो दो फुट की हाइट पे उड़ते हुए उसने पूरी जिंदगी अपनी वेस्ट कर दी और उसने कभी कोशिश भी नहीं किया उड़ने की क्योंकि उसने उसने अपने आजू बाजू के लोगों की बात सुन ली थी कि तू उड़ नहीं सकती ठीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वोड़ नहीं सकती वो ईगल की बच्चा था भूलना नहीं वो बड़ा होने के बाद इतनी ऊंचाइयों पे जा सकता था जिसकी कोई हद नहीं थी और इंसान भी वैसा ही होता है अगर तुमने तुम्हारे आजू बाजू वालों की बात सुन ली गलती से और तुम शायद ईगल के बच्चे हो गए किसने किसको पता है मान के चलो तुम ईगल के बच्चे हो और तुम इतने ऊपर ऊपर तक उड़ सकते हो तो फिर उड़ क्यों नहीं रहे हो खुद को जो भी अच्छी बातें हो पूरी बताना अपने अंदर बुरी चीजें सब हटा देना ठीक है किसी को कुछ पता नहीं है इस दुनिया के अंदर तुमको जो अच्छा लगता है वही करना जैसे उस ईगल के साथ हुआ था वो ईगल वैसे ही मर गई जमीन पे लेटे लेटे उसने कभी उड़ने की कोशिश भी नहीं किया तो मैंने नहीं चाहता आप लोग भी कभी उड़ने की कोशिश ना करो जो भी सपने कॉलेज के अंदर वो सब खत्म कर देना दफना देना और कॉलेज खत्म होने के बाद लगना कि हाँ अभी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है अब हम क्या कर सकते हैं कॉलेज में इतने सारे कांड तो कर लिया अभी इसमें से कुछ करना इसको किसी एक कांड को कंटिन्यू रखना है कि पूरा फील्ड चेंज करना है तो ठीक है कंटिन्यू रखना किसी की कुछ सुनना नहीं किसी को एक्चुअली मैं कुछ पता नहीं है मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ किसी को कुछ पता नहीं है बस वो लोग अपने अपने परसपेक्टिव से उन्होंने जिस तरह से लाइफ जी है उस हिसाब से आपको बताएंगे मुझे को भी कुछ पता नहीं है ठीक है मेरे को भी सब कुछ नहीं पता थोड़ा सा हिस्सा पता है जिसमें मैं परफेक्ट हूँ तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और जस्ट मी खुद को जो पसंद है वो करना किसी को कभी फॉलो मत करना और किसी से अपने क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि ये मेरे को मिला तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा नहीं किसी को कुछ पता नहीं है इस दुनिया में शायद तुम सबसे स्कॉलर बंदे हो कौन जाने है? ठीक है <laughs> बाय किसी को एक इस, किसी को किसी के साथ बदसलूकी से मत पहचाना बद किसी के साथ बदसलूकी से मत पहचानना नहीं क्या होता है वो ये हिंदी में देखा बोलता था अनुजीएड हिंदी में देखा बोलता किसी के साथ बदकल बदसलूकी से मत पहचान किसी के साथ बदसलूकी से मत

मग ती मुलगी ना त्याला हॅच वगैरे करते वगैरे होते मग ते मुलगी सारखं बिहेव करायला लागते किडे वगैरे खाते मग ती वरती बघते की उडत मग ती त्याची मुलगी असतात ती मुलगीला विचारते की मी असे उंच का नाही उडू शकत ती बोलते कारण की तू मुलगी उंच उडू शकत नाही मग ती तशीच करत करत मरून जाते लोक त्यांच्या शब्दांमध्ये स्वतःला हे दुसऱ्यांना हे करायला ठेवतात कंट्रोल कराया ट्राई करते हैं बिजली का औकात नहीं है